नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत सारे लोग कंपटीशन को जब तैयार करते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस उनके बीच में आने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी प्लानिंग, अपनी योजनाओं को बार बार बदलना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है, और ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमने कोई गोल बनाया, उस गोल के साथ जब हम जाते हैं और हम फेल हो जाते हैं। आइए एक किस्सा सुनाता हूँ, एक थोड़ी सी कहानी के तौर पर, एक मोटिवेशन के तौर पे आपके बीच में मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, एक व्यक्ति जब पहाड़ पे चढ़ने का एक फैसला करता है तो वो कुछ योजना बनाता है, कुछ प्लान बनाता है कि इस पहाड़ को ऐसे चढ़ा जाएगा। जो वो योजना बना रहा होता है वो नीचे बैठ के उस पहाड़ को देख के बना रहा होता है। उसको नहीं पता होता कि जब वो इस पहाड़ पे चलना शुरू करेगा तो क्या क्या चैलेंजेस उसके सामने आएंगे। उसने जो प्लानिंग बनाई, जो उसने अपने टू डू लिस्ट बनाई, वो उसने देख के बनाई कि ये पहाड़ इतना ऊंचा है, इतने समय में इसको तय किया जाएगा। जब वो पहाड़ पे चलता है, उसको कोशिश करता है पार करने की, तो नए नए चैलेंजेस उसके बीच में आते हैं। वो अक्सर कोशिश करता है कि उन चैलेंजेस को अपने हिसाब से बनाने की, कि जैसी उसने अपनी प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग के हिसाब से वो चाहता है कि वो सारे चैलेंजेस उसके हिसाब से मिक्स हो जाएं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे वो पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करता है, उसको नई नई कठिनाइयां देखने लगती है जिसके बारे में उसने नहीं सोचा था जब वो नीचे बैठा हुआ था। तो वो कोशिश बार बार ये करता है कि उन समस्याओं को अपने जैसा बनाने की, कि ये समस्याएं जैसा उसने प्लान किया है उसके अनुरूप हो जाए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। तो इस वजह से वो दुखी होने लगता है और परेशान होने लगता है। वो सोचता है कि मेरी बनाई गई योजना खराब हो गई, अब मैं क्या करूं। वो हताश होकर वहीं पे बैठ जाता है और उस पहाड़ को वो नहीं चढ़ पाता है। लाखों लोगों के साथ जीवन में यही होता है कि वो प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं, चलते भी हैं, और जैसे आधा पहाड़ वो चल चुके होते हैं तो एक ऐसी चैलेंजेस, एक ऐसी कठिनाई उनको दिख जाती है जिसके बारे में शायद जब वो नीचे बैठे हुए थे उन्होंने सोचा नहीं था। वो कोशिश तो करते हैं कि उस चैलेंजेस को स्वीकार करके, उस चैलेंजेस को बोलते हैं कि भाई हमारी योजना में तुम एडजस्ट हो जाओ, लेकिन वो नहीं हो रहा होता तो वो गिव अप कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है फेलियर का। अब बात करते हैं कि अगर ऐसे समय में हम फंस जाएं तो क्या करें। मैंने क्या कहा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप जब एक प्लान बनाते हो, उस प्लान को आपने एग्जीक्यूट किया, अगर दूसरा कोई चैलेंजेस आपके सामने आएगा तो आपको अपनी प्लान को चेंज करना पड़ेगा, और प्लान ही नहीं आपको खुद को भी बदलना पड़ेगा। तो ये बहुत कम लोग ऐसे करते हैं, बहुत सारे लोग खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। वो बार बार कुछ लोगों को ये सोचते हैं कि ये हमारे जैसे बन जाए। मान लीजिए कोई दिक्कत हमारे जीवन में आ रखी है तो हम कोशिश करेंगे कि ये दिक्कत जो आ रखी है ये ऐसी दिक्कत हो जिसमें हम ना बदलें, ये दिक्कत बदल जाए। तो उस चीज में लोग गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाते। अगर आप भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और आपको भी लगता है सर ये एक परेशानी मेरे साथ भी है कि मैं भी बैंक एग्जाम्स या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसका एक कारण ये भी है कि जो प्लान, जो योजनाएं मैंने बनाई हैं, मैं आगे चल के आ गया, अब चेंज करने का वक्त है, मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ ना खुद को ना उस प्लान को, और उसी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ तो बार बार ठोकर खा के पीछे गिर जा रहा हूँ। तो यही आपको करना है। क्या करना है, आप आगे तक गए, कुछ नए चैलेंजेस आए, उन नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है, कुछ अपने आप को बदलना है, अपनी प्लानिंग को भी चेंज करना है कि अच्छा मैं पहले तो यार ये सोच रहा था कि ऐसे पहाड़ चढ़ा जाएगा, नहीं 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 ऐसे चढ़ूंगा तो खाई में गिर जाऊंगा, अब मुझे ऐसे चलना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, मोटिवेटिव है। आप इस वीडियो से ये सीख पाएंगे कि समय समय पर बदलाव जरूरी है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपका वक्त एक दिन जल्दी बदलेगा, जरूर बदलेगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।